हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो प्लेयर्स टू। आज हम बात करेंगे कि बेब्लेड इतना कम पॉपुलर क्यों है पोकेमॉन की जगह, क्योंकि पोकेमॉन इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किन कारण की वजह से बेब्लेड कम पॉपुलर है और पोकेमॉन ज़्यादा पॉपुलर है, चलो इसी पर बात करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं किन कारण की वजह से पोकेमॉन ज़्यादा पॉपुलर है और किन कारण की वजह से बेब्लेड थोड़ा कम पॉपुलर है इंडिया में, तो इसी पर बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, पहला कारण हो सकता है कि मतलब आप अगर पोकेमॉन की तरफ से देखोगे तो देखो, कोई भी सीजन हो, अगर आप कोई भी सीजन ले लो, XY XYZ, अभी जो स्वॉर्ड एंड शील्ड रहा ऐसा, तो इसमें मेन कैरेक्टर हमेशा की तरह एस ही रहता है, एक ही कैरेक्टर, जिसकी वजह से जो एस के फैन रहते हैं वो सब देखते हैं। जबकि आप पोकेमॉन बेब्लेड की तरफ देखोगे तो देखो, वहाँ पे हर सीजन नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि वो मैन होता है। अगर बेब्लेड ओरिजिनल, बेब्लेड मेटल सीरीज, ऐसे बेब्लेड बूस्ट, तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर रहते हैं। जैसे अगर काई की फैन है वो फिर बेब्लेड मेटल नहीं देखेगा, तो इसकी वजह से उनकी पॉपुलरिटी कम होती जाती है। अगर एक कैरेक्टर पर आप फोकस करते हो तो शायद वो ही उन कैरेक्टर के वो दूसरा भी सीरीज देखेगा। अगर वही कैरेक्टर नहीं है तो वो एक दूसरे एपिसोड देखने के बाद सोचेगा उसमें तो वो एस ने वो कैरी काई नहीं है और भी कैरेक्टर नहीं है, तो इनकी कारण से हो सकता है। अगर बात करें दूसरा कारण जो कि मेन कारण है, देखो आप 2015 में मतलब बेब्लेड और पोकेमॉन एक साथ टक्कर दे रहे थे इंडिया में। हाँ, क्यों? क्योंकि दोनों के एपिसोड आते थे नए नए, इसके कारण दोनों पॉपुलर थे। बट जब 2016 मतलब 2016 में क्या हुआ कि बेब्लेड के नए आने नहीं लगे, वहाँ पे कम दिखाने लगे मार्वल HQ, जो अब बदल गया मार्वल HQ। पर पोकेमॉन का क्या, वो नया सीजन आता ही गया तो उन लोगों को देखने में मज़ा आने लगा, क्यों नया था, पर बेब्लेड का वही पहले का, तो इसलिए वो इंटरेस्ट जाना लगा इसके कारण से। तो यही दो मेन कारण इसके कारण। तो और आपको और क्या कारण लगते हैं कि उसके कारण की वजह से बेब्लेड कम पॉपुलर है और पोकेमॉन ज़्यादा पॉपुलर, तो वो भी बता सकते हो। और भी है बहुत से कारण जो कि अगले कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।